सब्सक्राइब कीजिए हमारा टेक्निकल मंजूर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन हमारा वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। वेलकम टू आवर टेक्निकल चैनल टेक्निकल मंजूर में आज हम बात करेंगे ओप्पो का एक नया स्मार्टफोन के बारे में जो कि हाल ही में लॉन्च होने वाला है फ्लिपकार्ट में, और आज हम उसके बारे में कुछ बात करेंगे और देख लेंगे क्या है इसका फीचर और कैसा दिखता है ये फ़ोन। तो इस फ़ोन का नाम है ओप्पो K1 और इसमें ऑन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मौजूद है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं इस फ़ोन के बारे में कुछ कमर्शियल एड्स। इस एड्स में इन फ़ोन के बारे में पूरी तरह से रिवील किया गया है। तो इस फ़ोन का जो स्पेसिफिकेशन है बहुत ही ज़ोरदार का स्पेसिफिकेशन होने वाला है, और ओप्पो K1 2019 के फरवरी महीने में लॉन्च होगा 6 तारीख को। और इस फ़ोन में जो स्पेसिफिकेशन है उनमें से सबसे बढ़िया स्पेसिफिकेशन निकल कर आती है इन फ़ोन में, डिस्प्ले के अंदर फिंगरप्रिंट मौजूद है। और फ्लिपकार्ट में ये सेल होगा इस फ़ोन का, तो इनमें ये मालूम होता है कि ज़रूर इस फ़ोन का प्राइस कुछ मिड रेंज के अंदर होंगे। तो चलिए आप बॉक्स को ओपन कर लेते हैं, और इनमें फास्ट ऊपर में एक मैनुअल गाइड और एक रबर केस है। रबर केस अच्छा क्वालिटी का लग रहा है। तो इस फ़ोन का कुछ स्पेसिफिकेशन भी हम नज़रअंदाज करेंगे। इस फ़ोन में 6.4 इंच का फुल HD एमोलेड कार्व्ड डिस्प्ले मौजूद है, और गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन इस फ़ोन में मिलता है। और इस फ़ोन का सबसे ज़रूरी बात है, इस फ़ोन में आपको नॉच क्वालिटी यानी कि वाटर ड्रॉप नॉच क्वालिटी का डिस्प्ले मिल जाता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें मौजूद है एंड्रॉयड 8.1 ओरियो, और इसमें ओप्पो का भी एक OS है जिसका नाम है कलर OS 5.2। तो ये है यूनिट, और हम देख लेते हैं मेन यूनिट को। तो चलिए ओपन करते हैं। खुल जा से खुलने से पहले से ऑन हो गया। तो बैक साइड बहुत बढ़िया है, ग्लॉसी टाइप का है, और डुअल कलर शेप है इनमें। तो फ़ोन लॉन्च ऑन हो गया है जल्दी करने से। तो यहाँ पर लैंग्वेज इंग्लिश और चाइनीज़ है। पीछे में है डुअल सेंसर कैमरा विद फ्लैश। तो हम इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सेटअप करते हैं इन मॉडल को। पीछे की तरफ बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग ग्लॉसी टाइप का है, सब एक जैसे ही मॉडल अब बना रहा है कंपनी ने। ऑनर हो गया, शाओमी हो गया, उसके बाद ओप्पो भी शुरू कर दिया है ग्लॉसी बैक साइड बनाने के लिए। ऊपर में वाटर ड्रॉप नॉच मिलता है, वहाँ पर ज़रूरी सेंसर भी मौजूद है। तो चलिए सेटअप कर लेते हैं सेट को, और इधर हम देख लेते हैं कि लॉक स्क्रीन को किस तरह से सेटअप किया जाता है। बजट सेगमेंट में ये सेट फ्लिपकार्ट में लॉन्च होगा तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि मिड रेंज में ऐसा फ़ोन हमें कभी देखने को नहीं मिला है। तो अब फिंगरप्रिंट सेट करते हैं।
1, 2, 3, 4 फ्लिपकार्ट में 6 फरवरी 2019 में रिलीज होगा ये सेट। और रेयर कैमरा इसमें 20 और 16 प्लस 12 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल सकता है, अभी तक ये श्योर नहीं है। और बैटरी भी 4000 mAh और 3600 mAh भी हो सकता है, इसमें भी कोई श्योरिटी नहीं है अभी तक। और फ़ोन में LED फ्लैश मिल जाता है कैमरा के साइड में, और डुअल सिम 4G इसमें मौजूद है। और सेल्फी कैमरा इसमें बढ़िया है, 25 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, ओप्पो सेल्फी के लिए अच्छा है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट इसमें मौजूद है, यह है फ़ोन का सबसे बढ़िया फीचर। और 2.2 GHz ऑक्टाकोर स्नैपड्रैगन 660 चिपसेट इसमें मिलता है। कलर वेज भी बहुत बढ़िया दिया है इनमें, कलर तो एकदम झकास है। तो एक बार देख लेते हैं सेटिंग्स में। और एड्रिनो 512 GPU इसमें मिलेगा, और 3 वेरिएंट में शायद निकल कर आएगी, 4 GB 64 GB और 6 GB 64 GB और 8 GB 128 GB, इस तीनों वेरिएंट में निकल कर आएगा। कैमरा को ऑन किया, टर्म्स एंड कंडीशन ओके, कैमरा तो अच्छा ही है, पोर्ट्रेट मोड है इसमें। तो एक बार फिंगरप्रिंट को टेस्ट कर लेते हैं, पहली पहली दिक्कत हो रही है, फिर टेस्ट करते हैं हो गया, फिर टेस्ट करते हैं हो गया। फिर टेस्ट करते हैं, टेस्ट टेस्ट, देख के लगता है इसमें कुछ सिस्टम अपडेट के आवश्यकता है। सिस्टम अपडेट होने के बाद ऑन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट अच्छी तरह से काम करेगा। तो ये था आज के लिए इस वीडियो में, आपको इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।